जितना भी खराब हो जाए नीतीश जी, पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती, ईमानदारी पर। तो यहाँ जितने बीजेपी के मंत्री हैं कोई दूध के धुले तो है नहीं। बिहार की राजनीतिक अस्थिरता, बिहार के डेवलपमेंट को, बिहार के इकोनॉमी को, बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से अव्यवस्थित रखेगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी के अब रिश्ते ठीक नहीं हैं, इसको लेकर के पूरी तरह से सियासी हलचल तेज़ हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब अभी ही वक्त है कि नीतीश कुमार को एक अच्छा फैसला लेना चाहिए। और फैसला लेते हुए उन्होंने सोनिया गांधी से के नेतृत्व में उनको एक पीएम का चेहरा बनना चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आप देखिए इस वीडियो में। आरसीपी जी मोहरा हो चुके हैं भैया। आरसीपी सिंह जी लगातार ओएसडी थे, अब वो कह रहे हैं कि इनको सीएम चलाने नहीं आता, 4 घंटा ये भुज्जा खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 11 बजे आते हैं। अब ओएसडी पीएस भी ज्ञान देने लगे, कितना भी खराब हो जाए नीतीश जी, पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती, ईमानदारी पर। नहीं तो ये बीजेपी कभी बकस्ती किया, ईडी और सीबीआई आज तक नीतीश कुमार को छोड़ देते, कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास, क्योंकि पीए होंगे उस वक्त आरसीपी। जब स्लीपर घोटाले की बात आ रही थी तो उस वक्त ओएसडी आरसीपी ही थे, तो हो सकता है जो बिजली मंत्री है आरा वाले, उसी तरह इनके पास भी कोई कागज हो। ये लोग तो साथी रहते हैं। तो यहां जितने बीजेपी के मंत्री हैं कोई दूध के धुले तो है नहीं। और सरकार जब आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का तोड़ रहे हैं तो ईडी की जांच तो आप पर भी होनी चाहिए। और 8 सालों में 1-5 में जो जो आया है उस पर भी ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी विपक्ष के लिए ही स्वतंत्र क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की आंखें सबके लिए खुले ना, विपक्ष के पास ही अकूट संपत्ति है। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस महंगाई से लड़ रही है, पप्पू यादव महंगाई से और बीजेपी राहुल गांधी से लड़ रहा है, इनको महंगाई मुद्दा नहीं है। बिहार की हालात अच्छे नहीं है कंप्लीट। मुझे लगता है कि 2024 तक अब बिहार की राजनीतिक अस्थिरता, बिहार के डेवलपमेंट को, बिहार के इकोनॉमी को, बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से अव्यवस्थित रखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो लगातार आज हुआ कल हुआ, आज हुआ कल हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये जब मान ही लिया गया है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी किसी भी कीमत पर मौका देने को तैयार नहीं है, अब बकसने को तैयार नहीं है, 2024 तक उनकी मनसा है, इसको किसी तरह ले चलो, उसके बाद जब भी करो, तो नीतीश जी को पहले ही अपना निर्णय लेना चाहिए। और जो देश के हालात है बीजेपी के खिलाफ, चाहे डॉलर को लेकर के हो, चाहे 1150 लेके हो, चाहे स्विस बैंक काला धन को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे चीन की जमीन पर कब्जा को लेकर के हो, चाहे अग्निवीर को लेकर के हो, पूरा देश किसान के एमएसपी और मुआवजा को लेकर के हो, नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसी के खिलाफ है। माहौल सही नहीं है, यह वक्त है नीतीश कुमार जी को, सही समय है। यदि कोई कहता है कि 7 जन्म में नहीं पीएम हो सकते, हमें इसको, अब पप्पू यादव को भी शौक है सीएम बनने का, हमारे मन में भी है कि हम पीएम बने, किसको शौक नहीं होगा अरबपति और अदानी बनने का, पीएम बनने का। 4 बार सीएम है और वक्त पर निर्णय लेते हैं तो कभी कुछ भी क्लिक कर सकता है। और आज ये वक्त है,
ये वक्त है नीतीश कुमार जी के निर्णय लेने का। देश आज के डेट में उब चुकी है। जो आज देश को बचाने के लिए निर्णय लेंगे वो कल के हीरो होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो अकेला कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है इस कंट्री में, आम आदमी की आवाज बनी हुई है, ऐसे समय में नीतीश कुमार जी को सोनिया जी का मार्गदर्शन लेकर के अविलंब निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और देश को दिशा देना चाहिए। तो अभी आपने सुना जब सुप्रीमो पप्पू यादव का क्या कहना था। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वक्त है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार एक अच्छा फैसला ले और सोच समझकर फैसला ले, और अच्छा फैसला लेने का नतीजा ये होगा। और अभी जो वक्त चल रहा है इस वक्त में अगर नीतीश कुमार कोई भी अच्छा फैसला लेते हैं तो वो आगे चल के हीरो बनेंगे। और भी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।